ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वह भारत के दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है। हाल ही में भी जब भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, तब भारत ने अपने बॉर्डर पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दिया था, जिससे चीन बुरी तरह बौखला गया था। चीन और पाकिस्तान पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ ढूंढ रहे थे और अब ब्रह्मोस 2 के आने की खबर सुनकर पूरी तरह घबरा गए हैं। ब्रह्मोस 2 दो तरह की मिसाइल होगी, पहला बैलिस्टिक और दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में यह अंतर होता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है तो वह सीधा स्पेस में जाता है और ग्रेविटी की मदद से और भी ज़्यादा स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर नीचे आने लगता है और हमला कर देता है। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता है, क्रूज मिसाइल सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर लक्ष्य एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो क्रूज मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेता है। आसानी से समझें तो क्रूज मिसाइल लेफ्ट राइट अप और डाउन मुड़ जाता है। ब्रह्मोस की रेंज 400 से 500 किलोमीटर है और ब्रह्मोस 2 की रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड की बात करें तो 8000 किलोमीटर पर घंटा है, यानी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस मिसाइल के आ जाने से हमारी फौज और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। दोस्तों, आप अगर एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने तो कर दिया। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या इस वीडियो के बारे में आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।